So, first of all, guys, I am so sorry because I have not uploaded my video for two days because I have suffering from fever and cold. सो गाइज टूडे आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो डेट कि अगर आप पेटीएम से रेफर कर रहे हैं तो यहाँ पर गज क्या हो रहा है कि आपको जो पेटीएम का रेफरल बोनस है वो यहाँ आपको नहीं मिल पा रहा है तो ऐसे में इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि जब आप रेफर कर रहे हैं तो इसका जो रेफरल अमाउंट हुआ वो क्यों नहीं मिल पा रहा है वाकई में आप क्या उनकी गलती करी जिसकी वजह से गज यहाँ पे आपको रेफरल बोनस नहीं मिल पा रहा है तो इसमें गज मैं आप जिसके 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 आपको बताऊंगा तो इस आप कि इसका जो भी रेफरल बोनस कैसे मिलेगा आप क्या गलती करें ताकि अगर आप वो गलती नहीं करेंगे तो उसका जो रेफरल अमाउंट होगा वो आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएगा तो गज उसके लिए आपको क्या करना होगा इस वीडियो को पूरा देखना होगा तो चलिए फ्रेंड्स आज इस वीडियो को मैं शुरू

और गाइस जैसे ही इस एप्लीकेशन को आप ओपन करेंगे तो देखिए इसका जो होम इंटरफेस होगा आपके सामने देखिए इस तरह से ओपन होगा तो भी जब सिंपली क्या करना है आपको यहाँ पर देखिए जो प्रोफाइल आइकन शो हो रहा है सिंपली आप प्रोफाइल आइकन आपको क्लिक करेंगे आफ्टर क्लिक ऑन दिस प्रोफाइल आइकन फ्रेंड्स आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा तो सिंपली आपको क्या करना है जो पेज है इसको आप यहाँ से स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे ले जाएंगे और गाइस जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपके सामने ऑप्शन शो होगा कैशबैक एंड ऑफर्स का तो सिंपली आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप देखिए जैसे हिसाब पे आप क्लिक करेंगे तो सिंपली आपके सामने आपके का जो कैशबैक सेक्शन होगा वो यहाँ पर देखिए ओपन हो जाएगा तो फ्रेंड अभी तक आपको जितना भी कैशबैक मिला होगा वो यहाँ पे देखिए सो होगा यहाँ पे देखिए सिंपली ऑप्शन सो रहा है कैशबैक कौन का तो यहाँ पे देखिए जीरो रुपी सो हो रहा है तो यहाँ पे मुझे कैशबैक का यहाँ पे देखिए एक भी अमाउंट नहीं मिला है तो इसलिए यहाँ पर जीरो सो रहा है अब देखिए जरा आपको जितना भी कैशबैक पॉइंट होगा वो यहाँ पे होगा और यहाँ पर जो फ्यूचर कोई वाउचर वगैरह मिला होगा तो यहाँ नहीं पे शो होगा देखिए सेट वाउचर यहाँ पे फोर्थ वाउचर यहाँ पे हमको मिला हुआ है तो सिंपली के चलिए बताते हैं कि यहाँ पर आपको जो रेफर कर रहे हैं तो अगर आपके रेफर लिंक से कोई अकाउंट बना रहा है तो इसमें जहाँ पे इसका जो भी रेफर अमाउंट आपको नहीं मिल पा रहा है तो वह जहाँ पे आप कौन सी गलती करें जिसकी वजह से क्या यहाँ पे आपको रेफर नहीं मिल पा रहा है तो चलिए क्या जब मैं आपको बताता हूँ सो फाइनली फाइल अभी चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर गज मेरे लिंक के थ्रू यहाँ पे बहुत सारे पब्लिक ने अकाउंट क्रिएट किया है बट गज जहाँ से मुझे भी रेफरल बोनस नहीं मिला है तो सिमली के चलिए मैं आपको सबसे पहले वो दिखाता हूँ और जेटली क्या सोल्यूशन वो मैं आपको भी बता रहा हूँ तो सिम्पिली चलिए प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करता हूँ अभी देखिए जहां से मैं प्रोफाइल आइकन पे क्लिक किया तो भैया पे देखिए जो रेफर एंड का ऑप्शन है इसको यहाँ से मैं चूज करता हूँ अब देखिएगा जैसे आप अभी चूज करेंगे तो आप सामने का पेज ओपन होगा तो सिंपली आप क्या करेंगे आप सबसे यहाँ नीचे आएंगे अब देखिए जैसे आप यहाँ चाहेंगे तो सिंपली के यहाँ पे आपको एक ऑप्शन रेफर ना होगा तो आप यहाँ क्लिक करेंगे सो सिंपली जैसे आप रेफर पे क्लिक करेंगे तो सिंपली गेज सामने ऐसे रेस ओपन होगा तो भी सिंपलीगेज आपको क्या करना आपने देखिए आप ऑप्शन शो हो रहा है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे और अब देखिए जैसे यू क्लिक करेंगे तो फाइनली अब देखिए आपके सामने आप जो भी डाटा का पेज होगा वो यहाँ पे देखिए ओपन हो जाएगा तो फाइनली जा पर देखिए अगर आपके लिंक से जितने भी लोग अकाउंट क्रिएट किए होंगे आ जाएगी ओपन करके जैसा देखिए आपको ट्वेंटी फोर का तो अभी ट्वेंटी फोर लोग ऐसे लोग है जो गाइस जहाँ पर मेरे रेफरल यहाँ पे अकाउंट क्रिएट किए हैं गाइस यहाँ पर देखिए यहाँ पे मुझे रेफरल बोनस नहीं मिला है जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नो रेफरल स्टार्ट रेफरिंग टू स्टार्ट रिवार्ड तो वैसे कह रहा है यह अभी यहाँ पे रिवॉर्ड नहीं मिला है और यहाँ पे देखिए अगर आप फेलर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए थर्टी प्लस यहाँ पे फेल हो चुका है जो की यहाँ पे देखिए थर्टी प्लस से यहाँ से फेल हो चुका है और यहाँ पे देखिए भी ट्वेंटी फोर पेंडिंग चल रहा है सोफाइली so, गैच अब चलिए यहीं पे आपका सारा खेल स्टार्ट होता है तो अगर गैस आप यहाँ पर एक चीज समझ जाते हैं तो यहाँ पे आपको बोनस मिलना स्टार्ट हो जाएगा तो सिंपली गैस यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा अभी देखिए पे आपको तीन सेक्शन शो हो रहा है पेंटिंग का काम्प्लीट का और यहाँ से फेलर का तो सिंपली गैच अभी आप यहाँ पर आपने अपने पेटीएम लिंक किसी एक पर्सन के पास शेयर किया क्रिएट किया तो भी गैज जैसे अकाउंट क्रिएट कर लेगा तो उसका यहाँ पे जो भी रेफरल लिंक होगा जो भी रेफरल बोनस होगा वो आपके पेटीएम में पेंटिंग में शो होगा जैसे यूपीआई ट्रांजेक्शन कर

तो चली गए यहाँ से बताता हूँ कि क्यों नहीं मिलता है तो देखिए इसका सीधा सा रीजन है कि मान लीजिए अगर आपने किसी पर्सन के पास अपना रेफरल लिंक शेयर किया है और वो भले ही आपके रेफरल लिंक से के थ्रू अपना अकाउंट बना ले या फिर अकाउंट बनाने के बाद पेमेंट भी कर दे तो आपको नहीं मिलता है तो देखिए इसका सीधा सा मतलब है कि वो पहले किसी और लिंक के थ्रू या फिर डायरेक्टली प्ले स्टोर के थ्रू अपने पेटीएम अकाउंट बना चुका है तो इसलिए गाइस यहाँ पे आपका जो यहाँ से पेटीएम रेफरल बोनस है वो यहाँ से कट हो गया है तो गाइस जब वो पर्सन क्या कर रहा है कि उसका ऑलरेडी यहाँ से पेटीएम अकाउंट क्रिएट हो चुका है तो क्या कर रहा है कि जब आप लिंक से

और यहाँ पे देखिए मैं जैसे फेलर पे क्लिक किया तो यहाँ पे लिखा हुई योर फ्रेंड जॉइन है पेटीएम बट डी नॉट कम्प्लीट आल पेमेंट इन दिस टाइम यहाँ पे गई दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि मान लीजिए अगर वो न्यू यूजर है तो यहाँ पे जैसे यू आपके लिंक के गए अपना पेटीम अकाउंट बनाता है और यहाँ पर गैज टाइम लिमिटेशन की एक डाटा बेस होती है कि अगर वो बंदा इस टाइम टू टाइम के बीच में अगर आपको पेमेंट करता है या फिर किसी पर्सन के पास पेमेंट करता है तभी गैज वहाँ पे आपको कैशबैक मिलेगा जैसा कि देखिए ये लिख रहा है कि यहाँ पे जो भी पर्सन था हमारे लिंक के थ्रु अपना पेटीएम अकाउंट बनाया हालांकि उसने पेमेंट नहीं किया जो भी टाइम पीरियड होता है ये टाइम पीरियड फ्रेंड कम से कम फिफ्टीन डेज का होता है तो जैसे भी अगर कोई पर्सन आपके लिंक के थ्रू अकाउंट बनाता है और पंद्रह दिन के अंदर कोई पेमेंट नहीं करता है तो ऐसे में आपको कैशबैक नहीं मिलेगा तो गाइज इस वीडियो में मुझे आपको ये बताना था कि यहाँ पर कैशबैक क्यों नहीं मिलता है और इसका जेटली क्या सोल्यूशन है ताकि आपको कैशबैक मिलेगा तो आई होप गाइज की आप समझ चुके होंगे तो आई होप वीडियो पसंद आएगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए फ्रेंड्स में और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं